कभी कभी बिना सोचे समझे की गई प्रतिज्ञाएं अपनों से ही युद्ध करने को विवश कर देती हैं। महाभारत के योद्धा अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के विषय में तो हम सभी जानते हैं। कहा जाता है कि अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान नर तथा नारायण के अवतार थे, अर्थात अर्जुन और कृष्ण दो शरीर होते हुए भी एक ही प्राण थे। किंतु ऐसा होने के बावजूद एक बार भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रिय सखा अर्जुन के बीच भयंकर युद्ध हुआ। स्थिति अत्यधिक गंभीर बन चुकी थी। ऐसा क्यों और किस लिए हुआ, ये आज हम जानेंगे। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस संदर्भ में एक पौराणिक कथा मिलती है। एक बार महर्षि गालव जब प्रातः काल में सूर्य को अर्घ्य प्रदान कर रहे थे, तभी उनकी हथेली में आकाश मार्ग में जाते हुए चित्रसेन गंधर्व की थूकी हुई पीक गिर गई। मुनि को इससे अत्यधिक क्रोध आ गया। वे उसे श्राप ही देना चाहते थे कि उन्हें अपने तपोनाश का ध्यान आ गया और वे रुक गए। उन्होंने जाकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण ने मुनि की बात सुनकर तुरंत प्रतिज्ञा कर ली कि 24 घंटे के भीतर वो चित्रसेन का वध कर देंगे। ऋषि को अपनी प्रतिज्ञा के प्रति पूर्ण रूप से संतुष्ट करने के लिए उन्होंने माता देवकी तथा महर्षि के चरणों की शपथ ले ली। गालव जी अभी लौटे ही थे कि देवर्षि नारद वीणा बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गए। भगवान ने उनका स्वागत किया। शांत होने पर नारद जी ने कहा, प्रभु आप तो परमानंद हैं, आपके दर्शन से लोग विषाद मुक्त हो जाते हैं, पर पता नहीं क्यों आज आपके मुख कमल पर विषाद की रेखा दिख रही है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने गालव जी के संपूर्ण प्रसंग को सुनाकर अपनी प्रतिज्ञा सुनाई। भगवान की बात सुनकर नारद जी वहां से चलकर चित्रसेन के पास पहुंचे। चित्रसेन भी उनके चरणों में गिर अपनी कुंडली आदि लाकर गृह दशा पूछने लगा। नारद जी ने कहा, अरे तुम अब ये सब क्या पूछ रहे हो, तुम्हारा अंतकाल निकट आ पहुंचा है। अपना कल्याण चाहते हो तो बस कुछ दान पुण्य कर लो। 24 घंटों में श्री कृष्ण ने तुम्हारा वध करने की प्रतिज्ञा कर ली है। मृत्यु के भय से घबराया चित्रसेन इधर उधर दौड़ने लगा। वो ब्रह्मधाम, शिवपुरी, इंद्र, यम, वरुण सभी लोगों में दौड़ता फिरा, पर किसी ने भी उसे अपने यहाँ ठहरने तक नहीं दिया। श्री कृष्ण से शत्रुता कौन उधार ले। अब बेचारा गंधर्व राज अपनी रोती पीटती स्त्रियों के साथ नारद जी की ही शरण में आ गया। नारद जी दयालु तो ठहरे ही, वे बोले, अच्छा यमुना तट पर चलो। वहां जाकर एक स्थान को दिखाकर कहा, आज आधी रात को यहाँ एक स्त्री आएगी, उस समय तुम ऊंचे स्वर में विलाप करते रहना, वो स्त्री तुम्हें बचा लेगी, पर ध्यान रखना जब तक वो तुम्हारे कष्ट दूर कर देने की प्रतिज्ञा न कर ली तब तक तुम अपने कष्ट का कारण भूलकर उसे मत बताना। नारद जी की लीला चल रही थी। एक ओर तो चित्रसेन को ये समझाया तथा दूसरी ओर पहुंच गए अर्जुन के महल में सुभद्रा के पास। उससे बोले, आज का पर्व बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज आधी रात को यमुना में स्नान करने तथा किसी दीन की रक्षा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। आधी रात को सुभद्रा अपनी एक दो सहेलियों के साथ यमुना को स्नान करने पहुंची। वहां उन्हें रोने की आवाज सुनाई दी। नारद जी ने किसी दीन के उद्धार का महात्म्य बताकर ही रखा था। सुभद्रा ने सोचा, चलो अक्षय पुण्य कमा ही लूं। वो तुरंत उधर गई और चित्रसेन रोता मिला। उन्होंने लाख पूछा पर वो बिना प्रतिज्ञा के बता ही नहीं रहा था। अंत में इनके प्रतिज्ञा बद्ध होने पर
उसने स्थिति स्पष्ट की। अब तो ये सुनकर सुभद्रा बड़े ही धर्म संकट और असमंजस में पड़ गई। एक ओर अपने भ्राता श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा, वो भी ब्राह्मण के लिए, और दूसरी ओर अपनी प्रतिज्ञा। अंत में शरणागत की रक्षा करने का निश्चय करके वो उसे अपने साथ ले गई। भवन में जाकर उन्होंने संपूर्ण परिस्थिति अर्जुन के सामने रखी। अर्जुन ने सुभद्रा को सांत्वना दी और कहा कि तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण अवश्य होगी। नारद जी ने इधर जब ये सब ठीक कर लिया, तब द्वारिका पहुंचे और श्री कृष्ण से कह दिया कि प्रभु, अर्जुन ने चित्रसेन को आश्रय दे रखा है, इसीलिए आप सोच विचार कर ही युद्ध के लिए चले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नारद, एक बार आप मेरी ओर से अर्जुन को समझाने का प्रयास करके तो देखिए। अब देवर्षि पुनः दौड़े हुए द्वारिका से इंद्रप्रस्थ पहुंचे। अर्जुन ने जब सुनकर साफ साफ कह दिया, यदि मैं सब प्रकार से श्री कृष्ण की ही शरण में हूँ और मेरे पास केवल उन्हीं का बल है, तथापि अब तो उनके दिए हुए उपदेश क्षत्रिय धर्म से भी विमुख न होने की बात पर ही दृढ़ हूँ। मैं उनके बल पर ही अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करूँगा। प्रतिज्ञा छोड़ने में तो वो ही समर्थ है। दौड़कर देवर्षि अब द्वारिका आ गए और ज्यों का त्यों अर्जुन का वृतांत कह सुनाया। अब क्या हो, युद्ध की तैयारी हुई। सभी यादव और पांडव रणक्षेत्र में संपूर्ण सेना के साथ उपस्थित हुए। उनमें युद्ध छिड़ गया, बड़ी घमासान लड़ाई हुई, पर कोई जीत न सका। अंत में श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र छोड़ा। उसे रोकने के लिए अर्जुन ने अपना पाशुपतास्त्र छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र और पाशुपतास्त्र टकराव से पूरा विध्वंस हो जाता। ये देखकर भगवान शंकर वहां उपस्थित हुए। उन्होंने दोनों शस्त्रों को मनाया। फिर वे भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और कहा, भक्तों की बात के आगे अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाना तो आपका सहज स्वभाव है। इसकी तो असंख्य आवृत्तियां हुई है। अब तो इस लीला को यही समाप्त कीजिए। बाण समाप्त हो गए, प्रभु युद्ध से विरत हो गए। अर्जुन को गले लगाकर उन्होंने युद्ध श्रम से मुक्त किया। चित्रसेन को अभय किया। सब लोग धन्य धन्य कह उठे, पर गालव को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, ये तो अच्छा मजाक रहा वासुदेव। स्वच्छ हृदय के ऋषि बोल उठे, लो मैं अपनी शक्ति प्रकट करता हूँ। मैं कृष्ण, अर्जुन, सुभद्रा समेत चित्रसेन को जला ही डालता हूँ। पर बेचारे साधु ने जो ही जल हाथ में लिया, सुभद्रा बोल उठी, मैं यदि कृष्ण की भक्त हो और अर्जुन के प्रति मेरा पतिव्रत पूर्ण हो, तो ये जल ऋषि के हाथ से पृथ्वी पर न गिरे। ऐसा ही हुआ। तब चित्रसेन ने ऋषि गालव से क्षमा याचना की। तब ऋषि गालव ने चित्रसेन को क्षमा कर दिया। उन्होंने प्रभु को नमस्कार किया और वे अपने स्थान पर लौट गए। जय श्री कृष्ण।